नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा टैरो में। और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं या जो अलग पूजा संस्कार होते हैं वो लेना चाहते हैं आप, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ जो हवन पूजन कराए जाते हैं वो पूरी आपकी मनोकामना के लिए होते हैं। आपके नाम से बुकिंग करा कर आप अपनी मनोकामना के लिए करा सकते हैं, जैसे कि आपके ऊपर देवी माँ का प्रोटेक्शन बना रहे, आपके घर पर आपके रिश्तों में सुख शांति, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और सद्भावना आए। और अगर आपके कोई बनते काम बिगड़ जाते हैं तो ऐसा ना हो और आपके काम बन जाएं और आप पर कोई संकट ना आए और आपका जो करियर है, बिजनेस है, उसमें आपको सहूलियत हो। तो इसी प्रकार के जो हमारे हवन वगैरह हैं आपकी अच्छाई और सौभाग्य मंगल कामना के लिए कराए जाते हैं। और दूसरी बात ये है, जो हमारे हवन है ये बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन के साथ और ताकि आपके कल्याण के लिए ये आपके कारगर रहें, इसलिए कराए जाते हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं इस तरीके की हवन सर्विसेज तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो काली माँ का आपके लिए संदेश, तो यहाँ पे काली माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा डीपली हिडन थी, मतलब इतनी ज़्यादा दबी हुई हैं कि वो आपको ऐसे नहीं पता चल सकती है ना। वो दबी ऐसी हैं कि आप भी इस वक्त कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हैं कि आपको जो चीज़ें सरफेस पर दिख रही हैं, सामने से दिख रही हैं, वो ऊपरी परत है, लेकिन अंदर जो है वो बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। अब क्या छुपा है देखिए, यहाँ पे समझने की बात है। अगर आप इस वक्त किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या पिछले कुछ एक दो महीने से बहुत ज़्यादा आपको किसी के बारे में ओवरथिंकिंग हो रही है, तो यहाँ पे देखो यह समझने वाली बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको भूल गया है या इग्नोर कर रहा है या आपकी इस इंसान की लाइफ में वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपके लिए ये मैसेज है कि ये इंसान का फोकस आप पर ही है, ये इंसान भी आपके बारे में उतना ही सोचता है। और जबकि आप ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान फुलफिल्ड है या फिर आपसे ज़्यादा ऊपर है या इसको आपकी पड़ी नहीं है, तो ये समझिए कि इस इंसान के पास सब कुछ होकर भी इसका ध्यान सिर्फ आप पर ही रहता है, इसके मन में सिर्फ आप रहते हैं, है ना। और आप अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, आपको आपकी जो सफ़र है, आगे आपको बहुत सारी खुशियां और अच्छाइयां मिलने वाली हैं, बहुत सारी विक्ट्री मिलने वाली है। और रही बात इस इंसान की, तो इस इंसान के मन में जो आपने एक साथ एक दूसरे के एक साथ मेमोरीज़ बनाई हैं, वो मेमोरीज़ बहुत हैं। उसको याद है कैसे आप लोगों ने अपने साथ जो मेमोरीज़ थी, शायद आपके बचपन के ये भाई हैं या बचपन का दोस्त है या आपके एक्स लवर्स हो सकते हैं या पापा वगैरह या जो भी इंसान होगा, जो भी आपका उनसे रिलेशन है, वो उस इंसान को आपके हैप्पी टाइम्स याद हैं, मतलब जो आपके खुश मिजाज वाले जीवन था वो याद है कि कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ खुश थे, सेलिब्रेट करते थे और सब कुछ इतना इजी था। लेकिन अब वो दुखी हैं इस बात को लेकर कि सब इतना ख़त्म कैसे हो गया है ना। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को पड़ी नहीं है आपकी या आपके रिश्ते की या आपकी बॉन्डिंग की। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको मिस नहीं करता है या आपकी बॉन्डिंग से नफरत करता है या इसको ऐसा लगता है कि अच्छा है आप उसकी लाइफ में नहीं हैं। तो ये ऐसी थॉट, ये आपकी जो है ये एक ये समझिए सिर्फ आपका भ्रम है, क्योंकि रियलिटी ये है ये इंसान सबसे ज़्यादा आपको मिस करता है और सबसे ज़्यादा आपसे ही लगाव है, इसको दिल का रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है कि जो शायद ये भी नहीं समझ पा रहा है, ये भी बोल नहीं सकता और ना ही आप बोल सकते हो, मतलब जो आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो शब्दों के परे है ना। लेकिन वो इतना ज़्यादा आपके लिए कंसर्न्ड हैं और केयर है उनको, और कहीं ना कहीं उनके अंदर गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ जो बॉन्डिंग है वो फेल हो गई है, सब ना आप वो फेल हो गए, आपको आपके लिए एक सही अदर पार्ट नहीं बन पाए, सही बॉन्ड आपके साथ वो मेंटेन नहीं कर पाए, इस बात का उनको बहुत दुख है। हालांकि वो जताते नहीं हैं पर, लेकिन क्योंकि वो इसलिए नहीं जता पाते हैं क्योंकि उनके और पास कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको वहाँ पर अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर रखनी पड़ती है कि वहाँ पर वो अपने जो उनके रियल भाव हैं, रियल इमोशंस हैं, वो नहीं प्रकट कर सकते, वो अपनी रियल आइडेंटिटी में नहीं आ सकते। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों पर राधा रानी की
और कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि यहाँ पे लगता है आप लोग बहुत बड़े भक्त हैं और काफ़ी मानते भी हैं राधा कृष्ण को, और आपने काफ़ी जाप किया है, तो आपका जो सच है वो प्रोटेक्टेड है। और आपके अगर मन में कोई भी ऐसे कभी ऐसा होगा ना, नकारात्मक थॉट आ जाएंगे, या अगर आपको रोकने की कोशिश करेंगे, या आपको आपका जो एक कहते हैं ना कि क्या होता है जब आपके पास अच्छी चीज़ें होती हैं तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं या जो तरसी हुई एनर्जी होती है वो आपकी अच्छाई छीनने की कोशिश करती है, आपका अधिकार छीनने की कोशिश करती है और आपको उनसे दूर ले जाती है ना। पर लेकिन यहाँ पे कृष्ण और राधा कहना चाहते हैं कि उनकी इतनी कृपा है आपके ऊपर कि वो सच जानते हैं और आपकी जो चीज़ आपके पास आपकी है वो कोई नहीं छीन सकता। और सिर्फ छीनने वाली बात नहीं है कि वो कि सिर्फ एक फिज़िकल प्रेजेंस की बात नहीं है, एक ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास वो एक 3D में या शारीरिक रूप से आपके साथ हो, बल्कि ये जो है ये बंदा, ये इंसान या जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो मानसिक रूप से भी आपके ही हैं, वो मन में भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। और उनको, आपको अगर ऐसा लगता है कि उनको शायद सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि आपके साथ कितना गलत हुआ है, तो ये ऐसी थॉट निकाल दें, क्योंकि ये इंसान को समझ है, इसको अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि आप अच्छे थे, आपके साथ जो और उन दोनों आपके और उनके बीच में जो एक कॉन्स्पिरेसी सी बिठाई गई या आपके और उनके बीच में जो झूठे बातें हैं वो फैलाई गई और उनके मन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, है ना। तो ऐसा जो है ये उस इंसान को समझ आने लगेगा। और आपको ये समझना होगा, जो अगर जो आपकी एक सफ़र रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग का, उसकी अब डेथ हो चुकी है, मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग लगी थी और आपको ऐसा लगा था कि यार आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, या आप वो आपको गलत इंसान समझते हैं, या आपको उस इंसान से बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब तो वो जा चुका है, तो यहाँ पे आपके लिए संदेश ये है काली माँ का कि ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है और अब आपकी लाइफ में एक पावरफुल मूवमेंट आ रहा। पावरफुल मूवमेंट मतलब एक जो एनर्जी है, आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और पूरी सशक्त होके स्टेबिलिटी के साथ, है ना। और इसमें अब आपको मिलेंगे रिजोल्यूशंस, मतलब जो अगर पहले आपको ऐसा लगता था चीज़ें भाई नहीं सुलझाई जा सकती, पर अब चीज़ें आपके पास आएंगी तो सुलझी हुई आएंगी बिल्कुल एफर्टलेसली, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और रही बात उसकी, तो यहाँ पे यही है कि जो मैंने बोला आपको कि यहाँ पे आपके लिए पता चलेगा, उस इंसान को भी मालूम है, सब रिवीलेशन है, रियलाइजेशन है कि सच क्या है और कैसे एक चीज़ों को बनाकर प्रदर्शित किया गया, उनके माइंड में बातें डाली गई ताकि आप लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको उतना प्योर ना रहने दें और उसको ख़राब किया गया। तो ये जो भी जो बाहर की कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ है, ये सब कुछ सरफेस पर आएगा और ये सब कुछ कहते हैं ना, जैसे दूध का दूध पानी का पानी होगा, और ये सब पॉसिबल हो पाया है आपकी मेहनत से, आपकी भक्ति से, और दूसरी बात जिस तरीके से आप चीज़ों से डिटैच रहे और आपने चीज़ों को ना घसीटा नहीं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने लाइफ में आप अपने ऊपर काम करते रहे, जो भी आपके पास मिनिमम था, जो भी कम से कम जिम्मेदारियां भगवान ने आपको दी थी, आप उसमें उलझे रहे और अपना काम करते रहे बजाय इस इंसान के पीछे भागने के, है ना। आप इस इंसान के पीछे नहीं भागे, लेकिन क्या हुआ अब, क्योंकि अब यहाँ पे आपने अपना काम अच्छे से किया, ईमानदारी से किया, तो ये एक तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग है भगवान की, है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि आपकी तरफ से आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये ओवरथिंकिंग मुझे पहले नहीं होती थी, अब क्यों होने लगी है ना, तो ये समझने वाली बात है कि अब क्या है, जब चीज़ें बदलने वाली होती हैं तब आपके माइंड भी, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो क्या होता है आपको पहले से ही डेटा आने लगता है आपके पास, पहले से ही आपको कहते हैं ना अंदेशा होने लगता है कि हाँ भाई उसी इंसान की मेमोरी क्यों आपके पास बार बार आ रही है, जो इतने सालों से मैं भूल चुका था या मैं मूव ऑन कर गया था, मैंने अपने आप को समझा लिया था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, अब मुझे यही इंसान की मेमोरी क्यों आ रही है, क्यों थॉट आ रही है ना। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यही है, क्योंकि आपके और उनके बॉन्ड में एक बहुत बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट आ रहा है, इस वजह से आपको भी वो फील हो रहा है ना।
पर इस समय क्या है, आपको इन बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना मन लगाना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने काम में और कृष्ण भक्ति में, है ना, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जाप करते रहें, उनको धन्यवाद देते रहें, ग्रेटिट्यूड करते रहें, और जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको ईमानदारी से करें, है ना, उसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी है। बाकी आप हमारे यहाँ से पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करा सकते हैं, और जो हमारी हवन सर्विसेज हैं, पूजा सर्विसेज हैं, वो अपनी मनोकामना के लिए ले सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।